गुड मॉर्निंग, आज मेरा बच्चा हनी करेगा, आज मेरा बच्चा हनी करेगा। इसका अच्छा ये बालकनी में नहाता है, खुले में। खुले में नहाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे, नंगा नहा रहा है। मफिन आज एक बहुत अच्छी पार्टी में जा रहा है, बहुत अच्छी जगह जा रहा है। पार्टी पार्टी, आज तो मफिन डे है। ब्रश हो रहा है। देख लो, स्पेशल इसी का ही ब्रश है, लंबा वाला। जिससे किसके सारे बालों में से पानी निकल जाएगा। और हम सिर्फ क्या बोल रहे, करो दुर 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 दुर। करो दुर दुर। इसके मैं पता क्यों नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि ये धूप नहीं है। कम से कम धूप तो ले लेगा। हाँ जल्दी सूख जाओगे धूप लेने से, इसलिए मम्मा ने यहाँ बिठा लिया तुमको, ठीक है। कल मैंने हेड बाथ लिया था और मैंने यूज़ किए थे मम्मा अर्थ के न्यूली लॉन्च लेमन एंटी डेंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर, और ये दोनों ही ना बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। जैसे आपकी इची स्कैल्प हो रही है, विंटर के टाइम में अक्सर लोगों को ये दिक्कत हो जाती है, इची स्कैल्प रहने लगती है, डेंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी DIY ट्राई करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग ऑयल लेते हैं, उसमें कपूर डाल लेते हैं या थोड़ा सा लेमन डाल लेते हैं, एंड देन उससे हम अपना पूरा हेड मसाज लेते हैं, जिससे कि डेंड्रफ चला जाए और बाल भी सिल्की और स्मूथ हो जाए। लेकिन अब आपको इतना हैसल करने की जरूरत नहीं है, ये हैसल फ्री प्रोसेस है, जिसमें आपको बस ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करने हैं। दोनों में ही लेमन और जिंजर की गुडनेस है, जो कि आपके बालों के लिए काफी अच्छी है। अगर आपकी इची एंड फ्लेकी स्कैल्प हो रही है तो उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला, लेमन एंड जिंजर की गुडनेस है। लेमन क्या करता है, आपकी इची स्कैल्प को सूथ करने में हेल्प करता है, और जिंजर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके बालों में से 100% डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ ये टॉक्सिन्स फ्री हैं और मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। आपको पता ही है मम्मा आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बालों के लिए या स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो सेफ होते हैं पूरी तरीके से। जब आप इस शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए हैं और सिल्की हो गए हैं, बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं लगते। सबसे अच्छी बात बाल वॉश करने के बाद, मम्मा आर्थ की जो गुडनेस वो केवल इनके प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर किसी एक ट्री के साथ। तो इस तरीके से मम्मा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहां से कुछ अपने लिए बाय करके। मम्मा अर्थ की जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, मम्मा अर्थ की खुद की वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मम्मा अर्थ के अब काफी सारे स्टोर्स भी ओपन हो गए हैं, जो कि आपको बाहर भी देखने को मिल जाते हैं इनके प्रोडक्ट। और हाँ, अगर आप मम्मा अर्थ की ऐप या फिर वेबसाइट से परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है IMS2023, जिससे लगाने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये लेना बिल्कुल मत भूलना। अभी प्रशांत लेने गए हैं शावर और मैं शावर ले चुकी हूँ, बस मुझे तैयार होना है, तो फटाफट से रेडी होती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हम लोग नहीं करेंगे वरना फिर धूप बहुत तेज़ हो जाएगी, आजकल गर्मी भी बढ़ गई है। मफिन बिल्कुल तैयार हो गया है, यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ, वो प्रशांत भी रेडी हो गए हैं, और अब हम निकलने वाले हैं। पैट काला इवेंट में पहुंचकर मफिन तो खुश ही हो गया। मफिन ने फर्स्ट टाइम इस टाइप का इवेंट देखा था जिसमें इतने सारे उसे डॉग्स मिले और हर तरह की ब्रीड थी, और गोल्डन रिट्रीवर तो कुछ ज्यादा ही थे और इतने क्यूट क्यूट थे ना गाइस, सब लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। मफिन के साथ भी बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करी। यहाँ पर डॉग फूड वगैरह, डॉग के शैम्पू कंडीशनर, ये सारा डॉग का सामान, टॉयज, सब कुछ मिल रहा था। इतने लोग थे ना यार, मुझे इसे देखकर लग रहा था कि इतने लोग दीवाने हैं, मतलब पेट्स के, इतना प्यार करते हैं पेट्स से, इतने सारे लोग आए हुए थे। लग जाएगी
गरम है, गरम है, गरम है, रहने दो रहने दो। इधर आओ मम्मी। मैंने ये रखा था बच्चों में क्या है, जब आप पैट को रखते हैं ना तो पैट रखने का सबसे पहला नियम होता है कि आपके पास यदि समय नहीं है तो पैट मत रखिए। आपको बिल्कुल इसके पीछे समय देना पड़ेगा तभी जाकर के आप पैट रख पाएंगे। इसे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या हुआ? बिल्कुल इसको ये सब खेलना नहीं आता बेटा, कभी इसे आता नहीं है ना खेलना। समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। मफिन कंफ्यूज हो गया था, वो सोचा था सीधा कूद सकता हूँ, ये मुझे यहाँ से क्यों उतारना चाहते हैं। हम लोग डॉग वॉकर को अपने साथ लेकर गए थे, मफिन उनके साथ काफी ज्यादा अटैच्ड है। सारे गोल्डन रिट्रीवर खेत के नीचे सारे के सारे गोल्डन रिट्रीवर इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे थे। उनकी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग चल रही थी। सारे के सारे इतने क्यूट थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत मजा आया सच में। So we go 10 by 10. So a lot of time, please go. You can give, take any of the bowls right up to the end. लेकिन अभी आप थोड़ा शेड बना करिए ना, कोई चीटिंग नहीं। पहले खाना इसके बाल कल please. That's kittens over there. Beautiful magazine, beautiful work. We will be interacting with Shweta really soon, who owns the magazine. But for now, so keep your pets on short leash, okay? ताकि वो एक अपना खाना खाना मंगने के बाद दूसरे के खाने के बाद ना जाए, ठीक है? हमको कोई भी यहाँ पर greedy लड़ाई नहीं चाहिए. And as I said earlier, please don't help your pets eating up. ठीक है, when I say one, two and above four, उसके साथ में आप स्टार्ट कर लेंगे। And I need two children volunteers. Adesh is first. You have to keep on watching everybody, okay? And these are our judges, okay? Can we have a round of applause for the judges? Yeah. And above. So now do we have the prizes? इस शो में जाकर हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मफिन इतने सारे लोगों से मिला और इससे ना वेल बिहेवियर भी सीखते हैं, साथ में फ्रेंडशिप भी करते हैं और दूसरे डॉग्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हुई डॉग की फैशन वॉक, आप लोग भी इंजॉय करो, बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे डॉग्स। यहाँ पर ना लोगों की आंखों में पेट को लेकर जो एक प्यार है ना वो दिख रहा था। इतना उत्साहित थे, इतना खुश थे लोग कि मैं क्या बोलूं। सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब लोगों ने कुछ ना कुछ वीडियोस बनाई, क्लिक करी, पिक्चर्स करी, मतलब बहुत खुश थे। और ऑनर भी ना हैप्पी फील करते हैं ना जब ऐसे मोमेंट में आपके डॉग वेल बिहेव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मफिन का भी मैंने इसमें नाम लिखवाया था, मफिन भी आएगा, देखना आप। Round of applause, guys, come on!
और यहाँ पर मफिन को कुछ हो गया था। उसने इतने सारे डॉग्स को एक साथ कभी नहीं देखा है और इतने सारे लोग मिलने भी आ रहे थे बार बार पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, तो उस वजह से शायद मफिन इधर उधर अपना दिमाग भटका रहा था और बस इधर उधर भाग रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे साथ डॉग वॉकर थे तो उन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया उसको। काफी बड़ा वाला इवेंट था ये और यहाँ पर खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम था। डॉग फूड तो मिल ही रहा था, साथ में हम लोगों के लिए भी मिल रहा था, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। मफी ने अपना बहुत बेस्ट दिखाया, बहुत क्यूट बच्चा बन के रहा पूरे टाइम और इसने कोई बमाशी नहीं करी। बस अब देखो, अब बस ये देखो जीप कितनी बड़ी आ गई है बाहर। मफी तुम बहुत क्यूट, बहुत अच्छा शो था, बहुत सारे पेट ओनर्स आए थे और काफी अच्छा था, सच्ची में अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है केवल पेट ऑनर ही आए थे, जो लोग पेट से प्यार करते हैं वो लोग भी थे, बहुत सारे अपने बच्चों को लेकर आए थे। हाँ, बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे सिर्फ पेट से मिलवाने के लिए। पिक्चर्स वगैरह बहुत सारी क्लिक कर रहे थे। मफिन के साथ भी बहुत लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करी थी ना। निशांत को ले गए थे हम अपने साथ में, जो इनको इसको घुमाने वाले डॉग वॉकर है, तो हमने कहा तुम भी चलो, वो भी खुश हुआ। उसने खुद बोला कि सर मैं भी चलूंगा आपके साथ में, तो हम उसको ले गए थे, वो भी उसने भी देखा। कुछ कुछ मफिन के लिए हम लोग लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको क्या लेकर आए। बड़ी अच्छी कुछ नई नई ब्रांड्स थी वहाँ पे, जैसे कि ये है, ये चिकन रेसिपी है, रेसिपी नहीं चिकन रेसिपी रैप। हाँ, चूरूज हैं ये, एक्चुअली में चूरू रोल है। तो ये मैं एक मफिन को खिलाऊंगी फिर देखेंगे कि कितनी। अरे वहाँ से नहीं लेके आए थे, थाईलैंड से। हाँ, उसी टाइप का है चूरू रोल। आओ मफिन खाओगे, आओ जल्दी आओ, आओ 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 जल्दी आओ, खाएगा मफिन इधर आओ, ये लो। ओ ये तो कितनी सही लग रही है, ये मफिन खाएगा, ये लो मफिन चिकन चूरो। ये बात, मफिन खुश, उसकी मम्मी खुश। और फिर हम मफिन के लिए एक टॉय लाए, क्योंकि मफिन गोल्डन रिट्रीवर है तो वो ऐसे छोटे मोटे टॉय तो तीन चार दिन में वैसे सूरज कुंड वाला काफी दिन चल रहा है और उसे पसंद भी बहुत आया। शुरू में तो नहीं खेला था उससे, लो समझ में आ गया ये खाने की चीज नहीं है। और खेलने की चीज से ये एक दिन में दोस्ती नहीं करता, तीन चार दिन लगते हैं इसे पहचानने में। मफिन ये तुम्हारे टॉय है, पर ये दो चीजें मैं लाई हूँ, एक तो इसका परफ्यूम लाई हूँ मफिन का, और ये बहुत अच्छी खुशबू है, इसमें ओशन की वाला फ्रेग्रेंस है, अच्छी आ रही है ना। और एक बताए ये लाए हम लोग आफ्टर बाथ ना, इसको लगा सकते हो, ये केराटिन है एक्चुअली, स्मूदिंग विद द पावर ऑफ केराटिन। तो क्या होगा ना, बाल बहुत सिल्की लगेंगे जब आपने इसे नहला दिया, उसके बाद जब बाल सूख जाए देन थोड़ा सा लगा दिया, और ये फ्रेग्रेंस लगा दी तो मफिन में से खुशबू ही खुशबू आएगी। मफिन वैसे भी खूब आता है, आज मफिन बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत। आज आप लोगों ने देखा ना, इसने रैंप पे वॉक करी, कितना सारे जो बहुत सारे डॉग्स थे, बहुत सारों ने अच्छा अच्छा किया, कुछ जो है बिगड़ायल हो रहे थे लेकिन ये सीधे गया और सीधा आया। ये भी कुछ फ्री मिला है हमें, ये भी देखेंगे, ये भी कुछ खाने का ही है, दिखाओ, डाल दूं इसको आज, डालो और क्या है, स्टार्टर है ये तो। सर का ताज, होल चिकन, सर का ताज बना लो, नहीं सामान आया मफी का,